व्यायाम कितना कर लो, उसको हमने योगिक जोगिंग नाम दिया है, इतना तो सब कर लेंगे। लंबे लंबे श्वास लो, तो ये सब कर लेते हैं ना, लंबे लंबे श्वास लेते हैं। कई तरह के व्यायाम, और व्यायाम क्यों आवश्यक है? मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, गैस, कब्ज, एसिडिटी, लाइफस्टाइल डिजीज बहुत हो रही है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म जब गड़बड़ होता है तब फिर कई तरह के विकार हमें आ घेरते हैं। तो व्यायाम करने से, लंबे लंबे श्वास लेते रहो, ये पहला अभ्यास, फिर ये दूसरा अभ्यास। दूसरे अभ्यास में फिर पूरा हाथ पैर खुलने लगता है, हाथ ऊपर पूरा उठने लगता है, पैर पीछे से एड़ी पुल्ले से लगने लगते हैं। अब जब बड़े बुजुर्ग ऐसे ऐसे कर रहे, जिनसे जितना बन पाए उतना ही तो करना है ना, अब इतना ही कर लेंगे वो भी बहुत, ये मिनिमम है बड़े बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए। ये 12 अभ्यास है योगिक जोगिंग के, रुकना नहीं है किसी को भी, चाहे ऐसे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे ऐसे कर लो। और एकाग्र चित्त, प्रसन्न चित्त रहना, तीसरा अभ्यास। घुटना उठाओ, छाती से लगाओ, और फास्ट करना है तो थोड़ा ऐसे फुदक फुदक के, और ज्यादा फास्ट करना है तो ऐसे, जिससे जैसा बन पाए, जैसा हम बार बार जीते हैं जीवन वो हो जाता है हमारा स्वभाव, जो हम बार बार करते हैं वो क्या हो जाता है बोलो, हमारा बार बार गुस्सा करने से गुस्से वाला, बार बार निंदा करने से निंदा वाला, बार बार द्वेष करते हैं तो द्वेष करने वाला, बार बार देर से उठेंगे तो देर से उठने का, और बार बार योग करेंगे तो योग करने का, बार बार नाराज होते हैं तो नाराज होने का स्वभाव हो जाते, उनके चे मूड़ा ऊपर जो ना, तो हम लगता है कि इसी आदमी कभी हंसा ही नहीं जिंदगी। सुनो, बार बार खुश रहने से खुश रहने का स्वभाव। तो हमने तो एक बात पकड़ रखी है कि बार बार अपने को अच्छा करना है, इच्छा ना होने पर भी अच्छा करना है, एक खास बात, इच्छा ना होने पर भी खुश रहना है, इच्छा ना होने पर भी योग, इच्छा ना होने पर भी अच्छे काम, इच्छा ना होने पर भी अच्छा खाना, इच्छा होने पर भी बुरा खाना, ये आधा आधा, इतना तो सब कर लेंगे। આ તો અડધું થયું, અને કોઈથી પૂરું બેસાતું હોય તો આમ પૂરું બેસી જાય, જિસે જિતના બન પાએ। અબ ઇસમે ગડબડ નહીં કરના, કુછ ક્યા કર રહે, કુછ એસે કર રહે, એ નવું નવું નહીં, કુછ કુલ્લે કુલ્લે હિલા રહે, એસે નહીં, ऐसे करो। जिससे जितना बन पाए, है ना, तो देखो आपको अपने सामर्थ्य का ध्यान रखना है, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग आपको योगाभ्यास करना है। जिसका जितना सामर्थ्य उतना कर ले, दाएं पैर पर ऐसे बैठो, बाएं पैर को सीधा, फिर दूसरी ओर,
आराम आराम पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग। जिससे जितना बन पाए लंबा लंबा श्वास लो। पांच दस बार एक ही कर। नेक्स्ट, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ ऐसे आमने सामने है, अंगूठे से अंगूठा, उंगली से उंगली। लंबा गहरा श्वास भरना, दोनों हाथ ऐसे देखो सामने, इसको फास्ट करना हो तो ऐसे। रिलैक्स, सात अभ्यास हो गए। अब आठवा, इसको त्रिकोण आसन कहते हैं। हाथ ऐसे उठाए दाया हाथ। कोई भी अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो राइट साइड से प्रारंभ करते हैं, इसी यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। और कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही है, तो दक्षिण से शुरू कर दे तो उसको ऐसी शुभ मानते, अच्छा मानते। दाया हाथ उठा ली, हाथ ऐसे उठा और हथेली नीचे की ओर, बाया हाथ पहले घुटने और बाद में टखने के पास। पहले उसे धीरे धीरे करना, पूरा साइड में झुकेंगे, आगे की तरफ नहीं, ऐसे पूरा पार्श्व भाग में साइड में झुकना, घुटने सीधे रखने, दोनों हाथ ऊपर वाला हाथ भी सीधा, हथेली नीचे की ओर। ऐसे पहले धीरे धीरे किया, बाद में इसको फास्ट कर दिए, जिससे जितना बन पाए। प्रसन्न चित्त, एकाग्र चित्त हो करके उत्साह में जीना, उत्साह ही जीवन है, आशा और विश्वास ही जीवन है, और निराशा ही मृत्यु है, पुरुषार्थ ही जीवन है और प्रमाद ही मृत्यु है। लंबे लंबे गहरे श्वास, ऐसे फिर दोनों हाथ पार्श्व भाग कोण आसन, दाएं हाथ से बाएं पैर को छोड़ेंगे, बाएं हाथ ऊपर सामने हथेली, ऐसे 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 आराम आराम से करना, लंबे लंबे श्वासों के साथ करना, ऊपर वाले हाथ की हथेली को देखना। ऐसे रिलैक्स, एक एक अभ्यास को पांच पांच दस दस बार कर। फिर ये पाद हस्तासन बोलते हैं, हाथ ऊपर उठाए, हाथ पूरे सीधे रहेंगे, पूरे पीछे जाना, पूरे आगे जाना, इतना हो सके माता गुरु नाम से। ऐसे पांच दस बार एक एक अभ्यास को करना, फिर ये धीरे में करते हैं, एक दो तीन चार
लंबे लंबे किया तो जिससे जितना हो पाए 25-50 बार ऐसे करना। लास्ट 12वां अभ्यास है, दोनों सामने एक तरफ हाथ होंगे, उधर ही कुल्ले दूसरी तरफ पंजे से। ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी को चुष्ट कर, लंबे लंबे श्वास, एकाग्र चित्त, प्रसन्न चित्त होकर के, दत्त चित्त होकर के, पूरे समाहित होकर के जो करते हो पूरा करें, इसी का नाम योग। रिलैक्स, ये मिनिमम योग हुआ, ये है योगिक जॉगिंग। क्या बोलते हैं इसको?